गर्मी की वो एक रात जब घर में ठंडक और बिजली के अलावा सब कुछ था। घर के आंगन में पूरा परिवार बैठा था और हम मिलकर बातें कर रहे थे। तभी मेरे मन में एक सवाल आया कि पापा, ये मिडिल नेम क्या होता है? पापा ने मुझे कहा, मिडिल नेम मतलब पापा का नाम। मेरे सवाल यहीं नहीं रुके। मैंने कहा, पापा का नाम ही क्यों? तो पापा ने कहा, मिडिल नेम वो होता है जो घर का मुखिया हो, घर की पहचान हो। ये बात सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा और मैंने कहा, पापा मैं भी लोगों को जाकर बताऊंगा, मेरा पूरा नाम है कुणाल बसंत झवर। सपने सुहाने लड़कपन के देखकर पापा को हंसी आई और पापा ने मुझे देखकर कहा कि बेटा, इंसान से उसका पूरा नाम दो ही कंडीशन में पूछा जाता है, या तो वो डिमांडेड हो या वो रिमांडेड हो। तो मैंने भी उन्हें अश्योरेंस दिलाया कि नहीं पापा, जब भी मुझसे मेरा पूरा नाम पूछा जाएगा, किसी सही कारण के लिए ही पूछा जाएगा, आप फिक्र मत करो। ये बात चली रही थी कि मेरी नजर वहीं बैठे मां पर गई और मुझे एक बात समझ में आई कि कभी कभी हम कहानी के किरदार को इतनी अहमियत दे देते हैं कि कहानी के बाकी किरदार हमें कमतर लगने लगते हैं। और हमारी फैमिलीज में यही हश्र होता है, मां की अहमियत का, मां के किरदार का। पिताजी हमारा मिडिल नेम, हमारी पहचान जरूर होते हैं, पर इस चमक में एक चमक फीकी पड़ जाती है, वो है मां की। अब भला फैमिली पे कोई संकट आए तो वो पापा देख लेंगे, मम्मी थोड़े ही वो रोल निभा सकती है। कुछ यही ख्याल थे 15 साल के उस कुणाल के भी, जिसे लगता था उसकी पहचान है तो वो है पापा, अभिमान है तो वो है पापा, जो बनाता जिंदगी आसान है वो है पापा। मां है पर घर के मुखिया के रूप में शायद नहीं। मतलब मैं मां को जानता तो था पर मानता नहीं था। कुछ दिन गुजरे और आया वक्त क्लास 10th का। एक मिडिल क्लास परिवार के स्टूडियस स्टूडेंट के साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। जब भी क्लास 10th आती है वो घर का विराट कोहली बन जाता है। जैसे विराट कोहली की सेंचुरी से कम कुछ मंजूर नहीं, उस बच्चे के लिए मैरिट रैंक से कम कुछ मंजूर नहीं। और किस्मत या बदकिस्मत से मैं वैसा ही एक स्टूडियस बच्चा था, तो मुझे मैरिट रैंक एक मिशन के रूप में सौंप दिया गया था। पर मैं उस मिशन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता, इससे पहले किस्मत ने मेरी जिंदगी में एक ऐसा ट्विस्ट दिखाया, एक ऐसा टर्न दिखाया जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी किस्मत ने मेरे मिडिल नेम, मेरे अभिमान, मेरी पहचान को मुझसे छीन लिया। पापा दुनिया से जा चुके थे और बदले में मेरे साथ रह गया डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन। वो डिप्रेशन इसलिए क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अब पापा ही नहीं है तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। अब भला जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील जिसके हाथ में हो, अगर वही नहीं रहा तो जिंदगी आगे बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ख्याल गहराते गए, वक्त कम होता गया, डिप्रेशन बढ़ता गया। दिन प्रतिदिन मुझे बस ऐसा ही लगता था कि जिंदगी एक बिना छत के घर जैसी हो गई है। सांस तो है पर कोई आस नहीं है। एक जरा सी हवा भी तूफान जैसा असर करने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, मुझे गाइड कौन करेगा। अरे अब तक तो मैंने जिंदगी जीना सीखा भी नहीं था यार, क्या होगा, कैसे होगा। ये सेल्फ डाउट, ये अंधेरा मुझे घेरने लगा और डिप्रेशन मुझे अपनी जकड़ में लेता रहा और मेरा वो मैरिट रैंक का सपना मुझसे दूर जाने लगा। मुझे लगा कि शायद वो सपना सपना ही बनकर रह जाएगा, लेकिन उस जाते हुए सपने की डोर थामने के लिए कोई था, वही किरदार जिसे मैं जानता तो था पर मानता नहीं था, मेरी मां। एक दिन जब मैं रो रहा था तो मां ने मेरे पास आकर पूछा कि बात क्या है।
मैंने कहा माँ पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो माँ ने कहा कि पापा होते तो क्या चाहते। मैंने कहा वो चाहते कि मैं जी भर के पढ़ाई करूँ, मेरिट रैंक लाऊं। तो माँ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा तो रोका किसने। तो मैंने कहा माँ घर का मुखिया ही नहीं रहा, जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, मुझे नहीं लगता मैं अपने सपने को हासिल कर सकता हूँ। माँ ने कहा बेटा पापा तो नहीं है, मैं हूं ना। माँ के कहे उन तीन शब्दों से जैसे फ्यूज पड़े मेरी उस जिंदगी में, फिर से करंट दौड़ गया और मैंने ठान लिया कि वो टूटे सपने को फिर से सच करके दिखाऊंगा। और माँ के दिए उसी कॉन्फिडेंस से मैं लग गया फिर से पढ़ाई करने में और उस टूटे हुए सपने को फिर से सच कर दिखाने में। समय कम था पर सोचा एक कोशिश करके देखते हैं। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया, मैरिट लिस्ट अनाउंस हुई और मेरा नाम आया। और तब एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। वक्त आने पर कहानी का कोई भी किरदार मुख्य किरदार बन सकता है, वक्त आने पर मां भी घर की मुखिया बन सकती है। और जब एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि आपका पूरा नाम क्या है, मैंने शान से कहा कुणाल विद्या जवर।